हरदोई जनपद के प्रख्यात समाजसेवी एवं मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू भैया बुधवार को कीचड़ में उतर गए। उन्होंने वहीं जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को उसका निदान कराने का भरोसा दिया। इस दौरान कीचड़ में खड़े होकर ही उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। स्थानीय नागरिकों गंदे नाले में तब्दील हो चुकी सड़क के लिए जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा। इस पर समाजसेवी राजवर्धन सिंह ने समस्या को हर स्तर पर उठाकर उसे दूर कराने को संघर्ष करने का भरोसा दिया। गौरतलब है कि विधानसभा सवाईजपुर के हरपालपुर कस्बे में डॉक्टर पवन वाली गली में घुटनों तक कीचड़ भरा है। इसी गली से होकर आसपास दर्जनों गांवों के नागरिकों का अक्सर आना जाना होता है। स्थानीय नागरिक अपनी जान पर खेलकर यहां से गुजरते हैं। इसी गली से बुधवार को जनपद के प्रख्यात समाजसेवी और मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू भैया गुजर रहे थे। उनका काफिला आगे बढ़ ही रहा था कि उन्होंने चालक को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकते ही वह सड़क पर घुटनों तक भरे कीचड़ में उतर गए। इसके बाद उन्होंने गंदे नाले में तब्दील हो चुकी सड़क पर खड़े होकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। लोगों का कहना था कि करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को इसी गंदे नाले से होकर आने जाने को मजबूर होना पड़ता है। इसके लिए सांसद जयप्रकाश रावत और स्थानीय विधायक माधवेंद्र सिंह रानू से भी गुहार लगाई गई, पर किसी ने इसका निदान निकालने की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर समाजसेवी राजवर्धन सिंह ने समस्या का निदान निकालने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि गंदे नाले में तब्दील हो चुकी सड़क को दुरुस्त कराने के लिए वह हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। समाजसेवी ने स्थानीय नागरिकों को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर देकर उनसे निरंतर संपर्क में रहने को कहा। राजवर्धन सिंह राजू भैया के आश्वासन के बाद लोगों को समस्या के समाधान निकलने की उम्मीद दिख रही है। हरपालपुर का जो मुख्य कस्बा है तवातपुर विधानसभा का, यहाँ एक डॉक्टर पवन की गली पड़ती है जिससे होके मटौली धर्म और तमाम गांव के लिए रास्ता जाती है। हजारों लोग प्रतिदिन इससे निकलते हैं और दुकानें पूरी मार्केट है। ये जलभराव की स्थिति इतनी बदतर है, नालियों गंदे नालियों के पानी से कई बच्चे यहाँ गिर चुके हैं, कई बार महिलाएं यहाँ गिर चुकी हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इसको देखने को नहीं तैयार। हमने आज प्रशासन को लाइव के माध्यम से दिखाया था और आगाह भी किया है, अगर 1 महीने के अंदर इसका निर्माण नहीं शुरू होता तो 15 अगस्त को, आने वाली 15 अगस्त को वहीं डॉक्टर पवन वाली गली के पास ही बाहर धरने बैठेंगे और धरना तब तक चलेगा जब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा।